नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनी शर्मा में। और आज हम मैथमेटिक्स के लिए कक्षा 1 से 5 तक के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और हर बार एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस टॉपिक को हम देखते हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण। इंग्लिश में फ्रेंड्स इसे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि होते क्या हैं और इनके बारे में फिर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के बाद ये बात 100% है कि आप जो एग्जाम में क्वेश्चन फेस करोगे वो 100% कर लोगे। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर व्हाट्सएप फेसबुक पे जुड़े हुए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को वहां शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स यदि दो कोणों का योग अगर 180 हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। देखते हैं फिर, सिंपल सी चीज है कि अगर दो एंगल्स आपको दे रखे हैं तो वो कब संपूरक होंगे। अगर उनको ऐड करके हमने देखा, अगर 180 आता है, 180 आता है, तो वो संपूरक कोण होंगे एक दूसरे के। जैसे कि यहाँ है 170 है और 10 है, 170 10 का जो सम है 180 है, जोड़ 180 है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई 170 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 170 का संपूरक कोण वो होगा जो इसमें जुड़ने के बाद उसे 180 बना दे। जैसे 170 में हम क्या जोड़े, 10, तो 10 क्या है संपूरक कोण किसका, 170 का। ऐसे अगर पूछा जाएगा भाई 10 का संपूरक कोण क्या है, तो 10 को आप 180 में से घटा दो, कितना बचेगा 170। यानी 10 में अगर आप 170 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 180 संपूरक बन जाएगा। इसलिए 10 का संपूरक कोण होगा 170। फ्रेंड्स अब बात आती है कि 160 अगर संपूरक कोण, अगर 160 का संपूर्ण कोण हमें निकालना पड़ जाए तो 160 का संपूर्ण क्या होगा। तो फ्रेंड 160 का संपूरक कोण होगा 20, 180 में 160 घटाएंगे तो 20 आया। फ्रेंड तो इस तरह क्वेश्चन सिंपली पूछे जा सकते हैं यूपी टेट में 1 से 5 तक कि 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो 60 डिग्री का संपूर्ण कोण क्या होगा, 180 में से घटा दो 60, 120 उसका संपूरक कोण होगा। फ्रेंड इसी तरह से हम अगर देखें तो कोटिपूरक कोण क्या होता है, तो कोटिपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग, जिनका सम 90 डिग्री हो। तो यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो ऐसे कोण एक दूसरे के पूरक, और इसको हम कोटिपूरक भी कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इसका मतलब 60 और 30 कोटिपूरक है एक दूसरे के। जैसे 60 का कोटिपूरक है 30 और 30 का कोटिपूरक है 60। फ्रेंड्स तो 60 डिग्री का कोटिपूरक आपको इस तरह से 90 में से घटा के, जिसका भी आपको जो एंगल निकालना हो, अगर कोटिपूरक है तो 90 में से घट के निकलता है और संपूरक है तो 180 में से घट के निकलता है, आप ये याद रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था इंट्रोडक्शन की होता क्या है, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर कहीं जनरल चीज आ जाए जैसे एक्स डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो यहाँ वैल्यू की जगह एक्स दे रखा है तो आपको तो पता है कि कोटिपूरक निकालना होता है तो 90 में से घटा दो, तो 90 माइनस हमने एक्स करा तो हमारा जो है कोटिपूरक कोण आ जाएगा। तो फ्रेंड देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड ये सी टेट में क्वेश्चन नंबर 19 आया था, 2016 की बात है, और यूपी टेट में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन से ही आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, और ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, आपको बस कुछ सेकंड लगेंगे आंसर निकालने में, इसको मैं लॉन्ग मेथड से भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन है किसी कोण तथा उसके संपूरक कोण का अनुपात 2:3 है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि हम बात कर रहे हैं संपूरक कोण की, तो हमें दो कोण निकालने हैं जो एक दूसरे के संपूरक होंगे, यानी जिनका सम 180 होगा, इनका हमें सिर्फ अनुपात दे रखा है। तो अनुपात होता है 2:3, तो अनुपात का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको हम कैसे करते हैं, तो ये तो मैं डिटेल में बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक देखिए कि टोटल संपूरक कोण 180 होता है, सम अनुपात का योग है 2 और 3 अनुपात है, तो 2 + 3 5 हो गया, तो आप 180 को 5 से भाग करो, 180 को 5 से हमने भाग करी तो हमारे पास 36 आया, यानी एक कोण हमारा 36 आ चुका है। तो दूसरा कोण क्या आएगा हमें साफ जो निकलेगा वो 36 की गुणा करेंगे हम 2 से 72, 36 की गुणा करेंगे हम 3 से 108। ये हम 36 की गुणा 2 और 3 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुपात जो है कोणों का वो 2:3 है, यानी 180 को अनुपात के योग से भाग करने पर वापस अलग अलग अनुपात वाले नंबर से गुणा कर दो तो आपके दोनों कोण आ जाएंगे। जैसे 180 को हमने 5 से भाग की, 36 आया, 36 को 2 से गुणा करें 72, 36 को 3 से गुणा करें 108, 72 108 ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो आंसर में हुआ वो हुआ ए। अब फ्रेंड्स ये आया कैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक को भी अगर दिमाग में आपको रखना है तो पहले
आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आता कैसे है, तो ज्यादा दिनों तक दिमाग में टिक रहती है और आप भूलते भी नहीं हो और कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो सिंपल सी चीजें देख लेते हैं। अनुपात का कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही होता है, जब अनुपात दे रखा हो तो उनको आप एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, एक वेरिएबल से, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ सी से भी। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो 2x आएगा, 3 को करेंगे तो 3x आएगा। तो इसका मतलब पहला कोण जो है हम 2x मान लेंगे अनुपात के हिसाब से, और दूसरा कोण हम मान लेंगे 3x अनुपात के हिसाब से। अब क्या हमें पता है कि संपूरक कोण का योग 180 होता है, तो 2x प्लस 3x हो गया 180, यानी 5x बराबर 180। तो x का मान आ जाएगा 180 बटे 5, और 180 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 36। भाग करके देख लीजिए तो x बराबर 36 आ गया। तो x बराबर इस तरह से हमारा यहाँ 36 आया था। अब वापस हमें करना क्या है, हमें पहला कोण निकालना है, तो हम 2x निकालेंगे। तो 2x का मतलब 2 गुणा x, और x होता है 36, तो 2 गुणा 36 हो गया 72। दूसरा कोण निकालना है तो 3x यहाँ दे रखा है, 3, ये 3x, 3 गुणा 36 108। तो पहला और दूसरा कोण ऐसे निकला। तो ये तो था लॉन्ग मेथड कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। और इसको हमने शॉर्ट मेथड से हमने क्या करा कि एक्स एक्स की वैल्यू हमने नहीं रखी, सीधे हमने अनुपात से योग से डिवाइड कर दिया। तो अनुपात के योग से डिवाइड करो, और जो संख्याएं वापस उनको हम जो पहली संख्या है अनुपात वाली उससे और दूसरी संख्या उससे गुणा करके आप पहला और दूसरा कोण निकाल दोगे, ऑप्शन में चेक कर लोगे। फ्रेंड अगर अगर आपको पता चल गया कि पहला कोण 72 है, तो आप एक बार ऑप्शन पे नजर मारेंगे तो आपने देखा 72 और किसी में नहीं है, इसी में है। तो इसको आप ऐसे ही क्लिक कर दीजिए, दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 सेकंड वहां भी खराब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स पहला कोण 72 आया, ठीक है, बस चेक करके ऑप्शन आप ए लगा दो। फ्रेंड अब देखते हैं हम और क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को कि संपूरक और कोटिपूरक कोण पे किस तरह के क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए सीटेट 2016 और फरवरी में आया था। क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि एक्स एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है, और वाई एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, तब 2x + 3y की वैल्यू निकालिए। तो फ्रेंड ये देखिए कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। खास बात सोचने की यह है कि एक्स एक ऐसा कोण है जो अपने कोटिपूरक के बराबर है, पूरक या कोटिपूरक बात एक ही है। तो कोटिपूरक का मतलब होता है कि जिनका योग 90 हो, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो। अब वो कह रहा है कि भाई एक्स एक कोण है और उसी के जैसा दूसरा भी है, और उनका योग कितना है, कोटिपूरक यानी 90 है। तो मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 है और दोनों ही एक जैसे कोण है, तो इसका मतलब दोनों 45-45 के होंगे, सीधी सी बात है। तो एक्स की वैल्यू इसका मतलब क्या आ गई हमारी, 45। यानी इस तरह की अगर लाइन कहीं दी गई हो, यदि कोण अपने कोटिपूरक के समान हो, तो प्रत्येक कोण 90/2 का होगा। अगर ये लाइन आपको कहीं मिलती है कि अपने कोटिपूरक के समान है पहला कोण, तो इसका मतलब ये साफ है कि दोनों कोण की जो मेजरमेंट है, माप है, वो 45 है, दोनों कोण 45 डिग्री के हैं। अब अगले उस पर बढ़ते हैं। तो एक्स बराबर यहाँ 45 आ गया। दूसरा है, उसने कहा कि वाई एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर है, यानी वाई एक ऐसा कोण है जो दूसरे अपने संपूरक के बराबर है, यानी दोनों कोण का योग 180 आएगा, और दोनों ही इक्वल है, क्योंकि तो दोनों ही इक्वल है क्योंकि वाई एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू दोनों ही एंगल जो है वाई है, और वाई का सम 2y का सम 180 आ रहा है। इसका मतलब दोनों 90-90 के हो गए, 180 को 2 टुकड़ों में बराबर भागों में बांटेंगे तो 90-90 के हो गए। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू जो होगी 90 आ गई। तो इस तरीके से हमने मैन्युअली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने और एक्सप्लेन करके भी दिखाया है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से पहला एक्स की वैल्यू हमारी 45 आ गई, तो 45 दुनी 90, और 3 की y से करेंगे क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, 2x + 3y की। 2x + 3y में 2 x करेंगे, x की वैल्यू आ गई, और +3 y आ गया 90, 45 दुनी 90, और 90 + 270, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे 2x + 3y की वैल्यू 360 आ गई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, सेम बात है, लेकिन बस ये हमने चेंज कर दिया है, 3x + 2y आया है। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, 2 या 3 सेकंड में आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हमें मल्टीप्लीकेशन करने में जितना टाइम लगेगा, गुणा करने में वही टाइम लगेगा। तो फ्रेंड 2 या 3 से गुणा करना तो आसान होता है, वो तो आप करते ही होंगे। तो क्वेश्चन सेम है कि एक्स एक ऐसा कोण है जो अपने कोटिपूरक के बराबर है, वाई एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर है। तो साफ सी बात है, कोटिपूरक के जो दो कोण है वो बराबर बराबर है, तो कोटिपूरक होता है 90, तो 45 45 के 2 हो गए, यानी एक्स की वैल्यू 45 आ गई। यानी इसमें एक्स की वैल्यू 45 रख देंगे, 3x एंड एक्स की जगह 45, और वाई एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर है, यानी 180 है, 2 बराबर कोणों का, 180 2 बराबर कोण 90-90 के होंगे, तो वाई की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो यहाँ +2
एंड गुणा वाई, हमें 3x प्लस 2y की वैल्यू रखी हमने पुट कर दी, ठीक है, गुणा करेंगे 3 की 45 से 135 आ जाएगा, 2 की 90 से करेंगे 180 आ जाएगा, जोड़ के 315 आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको, क्योंकि ये सीटेट में आया हुआ है तो सीधी सी बात है जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, आरटेट, पीसीएस इवन तक के क्वेश्चन उठा उठा के जो आप प्रीवियस ईयर में बड़े कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को उठा के बाद में यूपीटेट या और छोटे छोटे जो एग्जाम है उनमें डाल दिया जाता है। आप देख लीजिए पीसीएस से जुड़ा हुआ अगर आपका सिलेबस और यूपीटेट का कुछ सिलेबस मैच कर रहा है